पता नहीं यहाँ के मेरी अंदर की औरत क्यों जाग रही कि मुझे आज पता चला बिरयानी फ्लेवर में भी नूडल्स होते हैं। जिंदाबाद। अच्छा सबको पता है पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड ही इज हेल्पिंग मी। अंदर जाके देख लेना बहन। Assalamualaikum everyone, this is Mehra Fazil and welcome to my YouTube channel, welcome to another video. आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ही बल्कि मैं ही शॉपिंग करने, मेरी जो बहनें हैं वो सो चुके हैं, अभी तकरीबन कोई सुबह के 9 बज चुके हैं, मगर आपको दिखा सकूँ तो सुबह के 9 बजे हैं। मैंने कहा भाई मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, आज हमें निकलना भी हो तो फटाफट से पहले शॉपिंग कर ली जाए, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं आस पास क्या चीज़ हमें जल्दी से मिल जाएगी ताकि हम चीज़ें उठाएँ और यहाँ से निकले। तो बस पैकिंग शैकिंग करनी है, मुझे जल्दी से वापस आना है ताकि मैं आके पैकिंग कर सकूँ, अपनी बहनों को उठा सकूँ और एयरपोर्ट के लिए निकल सकूँ। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम चलते हैं नीचे और पूछते हैं कि यहाँ पर हमें कोई प्लीज़ बता दो आसपास की शॉपिंग जगह, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो घर बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना है। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस की थी उन्होंने मेरे लिए, ये लेके आना मेरे लिए, वो लेके आना। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अपनी बहनों को भी मैंने उठाने की कोशिश की थी, आपकी और फातिमा अभी दोनों सो रही हैं, दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी, अंधेरे आपके फुल माहौल बना के सो रही हैं। मैंने कहा भाई ठीक है जितना हो सकता है हम तो चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम निकल गया तो दोबारा नहीं आना, बिकॉज हम लोगों की फ्लाइट है और हाँ मैं वेट नहीं कर सकती। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे एक दो बाज़ारों के नाम बताए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मेरे मुताबिक चीज़ें मिलेंगी या नहीं, लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि कुछ ना कुछ मिल जाए। थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, कोई 5-10 मिनट का रास्ता चलने का, तो अपनी ये 11 नंबर वाली जो मेरी बस है ना उसको थोड़ा सा काम पर लगाते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या मिलता है हमें। जिस मार्केट में मैंने जाना था, मैंने आसपास किसी से पूछा तो वो कह रहा है भाई आपको और पैदल चलना पड़ेगा 15 मिनट। तो मैंने कहा भाई जब आसपास हमें पास मार्केट दिखती है ना, चुप करके वहीं चलते हैं। जो जगह दिखी है वो यही है, आसपास कोई और जगह इस तरह की है नहीं जहां हम जा सकते हैं, तो यहीं पर चल के देखते हैं क्या मिलता है। जो सबसे पहली चीज़ मुझे पसंद आने लगी ना, दैट इज़ लाइक दिस। बट इस पर अगर पाकिस्तान लिखा होता तो मैं झटपट से ले लेती, बट इट्स समथिंग डिफरेंट, तो ले भी सकते हैं, फिट भी आ गई। ये मुझे लग रहा है दुबई ने कॉपी की है गुची फैंडी समथिंग की ना, मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये लगेगा किसी भी फोन के ऊपर। मेरे कार्ड में सिर्फ एक ही चीज़ है और यहाँ पर ना काफ़ी सारे कलर्स हैं, देखे मेरे भी में पानी आ रहा है, बट ये चीज़ें ना वहाँ से भी मिल जाती हैं, तो इसलिए हम नोट करना बाय दिस, क्योंकि ये मैं वहाँ से भी जा कर ले लूँगी। कुछ ऐसा लेना जो यहाँ से मिले और तब काम आ जाए। सो लेट्स सी। एक मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये भी शायद वहाँ से ना मिले, इसको भी इसी में डालते हैं। क्या गिराती है पता नहीं यहाँ के मेरी अंदर की औरत क्यों जाग रही। मैं ना किचन के लिए शॉपिंग करने के लिए मेरा हाथ जा रहा है कि भाई हाँ ये वहाँ से नहीं मिलता तो यहाँ से ले लो, क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाके वापस पापा के साथ चाय पीनी है, तो मैं अपनी चाय का सामान कर रही हूँ। मैं कभी इधर से उधर घूम रही हूँ, उधर से इधर घूम रही हूँ, खाने का सामान नहीं मिल रहा, पता नहीं किधर है। देख लो भी डिश वॉशर्स टाइप आ रही हैं या कटलरी का सामान आ रहा है, ये वाली चेयर्स आ रही हैं या ये बच्चों आ रही हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है मैं इधर तो घूम रही हूँ बस। कुछ कुकीज समझ आई हैं, ये नहीं समझ आ रही कि 3+1 इतने का है या 1 इतने का और 3 लोग तो एक फ्री में, मतलब यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पर फाइनली मुझे मेरी चीज़ मिल गई है, ये है हीटलेस कर्ल्स डालते हैं इससे, हीट रोलर्स हैं, तो ये तो मैं लाजमी लूँगी क्योंकि ये शायद वहाँ से ना मिले, तो ये एक ले रही हूँ। यार ये कितने प्यारे छोटे छोटे से बैग्स हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा पता चले बैग नहीं चेन्स हैं, बहुत प्यारे हैं ना। कुछ स्वीट्स रखे हुए इनमें से ना, इस दफ़ा मैं जा रही हूँ ना तो मैंने एक नई डिश ट्राई किया विच इज़ कुनाफा, और वो बहुत मजे लग रहे हैं, शायद इनमें से कोई एक है। मेरा हर जगह मेरा फ़ोन गिरता है। हाँ तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी कि वो वाली डिश मैं लाजमी लूँगी, सो देखती हूँ वो इधर किधर पड़ी हुई है। तो भाई अब आ गया है मेरा फेवरेट सेक्शन जहाँ पर आई कैन फाइंड नूडल्स, ठीक है। कुछ चीज़ों को नहीं, इधर मुझे जैनब की याद आ रही है, जैनब होती ना तो इधर लेटी होती और मुझे ना मिनते तरले कर रही होती कि मुझे ये दिलवा दो, और मैं से कहती नहीं ये नहीं, मैं तुम्हें कुछ और दिलवाऊंगी। सो आप जैनब के लिए भी कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो भाई ये मैंने ना पहला बुना चेक किया बिरयानी फ्लेवर में नूडल्स, बाकी मुझे आज पता चला बिरयानी फ्लेवर में भी नूडल्स होती हैं।
ओके भाई, तो जो नूडल्स का हमारा साल भर का जो स्टॉक है वो हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं कुछ और खाने पीने की तरफ। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मैं ना सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, फिर वहाँ जाके पाकिस्तान जाके उन्हें गिफ्ट दूँगी कि भाई मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो देखते हैं मुझे किस किस बंदे के लिए क्या क्या मिलता है। मुझे लगता है ज़ैनब के लिए तो मुझे नूडल्स मिल गए, लेकिन जैसे मैंने बता दिया कि नूडल्स हैं तो शायद ये ना दूँ, उसे कुछ और दूँ। तो गाइज, आपको एक चीज़ बता रही थी, मुझे ज़ैनब के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिल चुका है, वो खुशी से पागल हो जाएगी। उसके लिए आपको मेरा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ना काफ़ी कुछ भर लिया है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अम्मा के लिए भी दिख गई हैं, ज़ैनब के लिए भी दिख गई हैं, पापा के लिए भी कुछ नहीं दिखा। देखते हैं क्या क्या मिलता है। मेरी बहनें सो रही हैं, मुझे उस यहाँ से जल्दी जल्दी फ्री होने ब्रेकफास्ट करना है भी घर जाके। सर पे बहुत प्रेशर है, फ्लाइट भी है आज, पैकिंग भी नहीं की है, सो देखते हैं क्या होता है। मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पे लेस भी पड़ी, सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान से भी मिलती हैं तो मैं यहाँ से क्यों ख़रीदती हूँ। तो भाई ये इसलिए ख़रीदती हूँ क्योंकि इनका टेस्ट डिफरेंट है पाकिस्तान वाले से, तो वो वाला टेस्ट भी मज़े का है, भी मज़े का है। वही ले रहे हैं क्योंकि अब आए हैं तो भी लगते हैं हाथों ये भी ले ही लेते हैं। अब हम आ गए हैं मेकअप वाले और राबिया खुश होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं अब हमें यहाँ से राबिया के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। कपड़े कहाँ, इज द क्लोथिंग सेक्शन ऊपर, वो कहाँ से जाएगा? हाँ, एक और है, मैं तो नीचे घूम ही जा रही हूँ कब से, तो भाई ऊपर भी है। हम ऊपर इतनी सी चीज़ें हमने ले ली हैं अभी, परफ्यूम्स तो मेरे पास ऑलरेडी इतने घर पड़े हैं, अब तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा परफ्यूम। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे कपड़े छपड़े कुछ देख लेते हैं। ख़रीदना तो क्या ही है, ख़रीद भी लेंगे देख भी लेंगे, क्योंकि कपड़े मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहनों के बगैर कुछ खरीदूँगी। मैं अपनी बहनों को कहती रही हूँ आज 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 आज, लेकिन नहीं, उनको तो नींद भी आ रही है, ठीक है। और अब हम लोगों का ये खुलने और इतना अंधेरा है इस लिफ्ट में ना, क्या है मुझे वापस भी जाना है। चांगे जो है मेरी टांगे चांगे जो मैं थक गई। ओह वाह, जो कपड़ों वाले सेक्शन है ना, कपड़े जूते शूज़ एवरीथिंग, वो कुछ इस तरह से है। सो आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए अपनी बहनों के बगैर, कुछ कपड़े शपड़े ले लो, बट आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और अभी हम कुछ और खाने पीने का ही सामान लेते हैं। लग रहा है जाते जाते ना काफ़ी दूर पर जाने, तो ये एक ख़रीद ही लेती हूँ अपने लिए, अच्छी भी लग रही है, लेकिन कलर डिसाइड नहीं हो रहा है कौन सा वाला। और ये भी समझ नहीं आ रही है कि ये लेडीज़ है या जेंट्स है। भाई जो कुछ लेना था ना ले लिया, इसके ले नहीं सकती हूँ ग्राउंड अब नहीं। मेरा ना सर इस तरह से चक्कर चक्कर खा रहा है, रास्ते से कुछ खाने के लिए लेते हैं, कुछ पानी शानी लेते हैं, अपनी एनर्जी बहाल करते थोड़ी सी, और फिर निकलते घर की तरफ। फिर इनको उठाती हूँ कि भाई उठो, हमारी आज की फ्लाइट है जाने की, तो भाई इनको जगाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। इतना सामान ले रही है कि करके खुद ही मेहनत करनी पड़े, पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे कोई आके हेल्प करे। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि इतना सामान है जो आपने लिया है, आई फ्रॉम आई टेक इट टू पाकिस्तान बिकॉज़ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। जिंदाबाद। अच्छा, सबको पता है पाकिस्तान जिंदाबाद। सो या जिंदाबाद। नेम इज हीरा फैसल, डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई सॉ यू मॉर्निंग। तो बोलिए, मैंने आपको पहले वहाँ ब्लॉगिंग करते हुए देखा था। तो या और ये सारी चीज़ें, दीज आर फॉर माई दीज काइंड ऑफ स्टफ, दैट्स व्हाई मैंने आज इतनी शॉपिंग कर लिया अकेले ही आके। मैं कार्ड तो ले आई हूँ, और ना ये कार्ड फातिमा का था और मैं उसे पासवर्ड पूछना भूल गई, और शुक्र है शुक्र स्कैन वाला सिस्टम है। तो इतनी लंबी चौड़ी शॉपिंग की है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को कुछ ज़्यादा ही सामान ले लिया, और मेरे को ना चला नहीं जा रहा कहीं से, बाहर से कैब लेती थी अकेले लेके नहीं जा सकती। तो भाई यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था, मुझे ये भाई मिले, इन्होंने बोला कि भाई अपना सामान मुझे पकड़ा दो, एंड ही इज़ हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच। यू फ्रॉम युगांडा? फ्रॉम युगांडा। और उसने कहा किपिंग द जिम, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सो या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम टेकिंग ऑल दीज फ्रॉम माई सिस्टर्स। जो हमारे रास्ता था वो काफ़ी दूर था, तो इन्हें यहाँ पे रुक के कैब मंगवा के दिया। मेरे पास ना नेट था ना, और वो बोल रहे हैं कि मैं अब आपको ड्रॉप करके ही जाऊँगा अपनी जगह पे। दैट्स वेरी वेरी नाइस ऑफ हिम। एंड सॉरी टू आस्क योर नेम, व्हाट सम? या थैंक यू सम, नाइस टू मीट यू। तो भैया हम लोग बैठ चुके हैं
अपनी कैब में फाइनली मेरी जो टांगे थकनी थी ना इतना दूर चल के वो नहीं थकी अब, और भाई ठीक है मेरी हेल्प भी हो गई और अब हम लोग घर जाते अपनी बहनों को उठाते बिकॉज वी हैव अ फ्लाइट टू कैच, सो लेट्स गो। पहुंच चुके हैं अपने, अब सामान उठाते हैं। अब मुझे ये नहीं आ रहा कि यहाँ से मैं उठा के ऊपर कैसे लेके जाऊँगी, बट फिर भी लेट्स ट्राई आवर बेस्ट एंड चलते हैं ऊपर। तो भी मैंने यहाँ पे सामान रख दिया और फाइनली मुझे ना सुख का सांस आया। मैं ना कुछ सोचे समझे बगैर घर से निकल गई थी और मुझे ऊबर ड्राइवर वाला कहता आप पाकिस्तानी नहीं लगती। मैंने कहा कि वही मेरी शक्ल पे ऐसा क्या है, मैं पाकिस्तानी, मैं प्योर पाकिस्तानी शक्ल की बनती हूँ, ठीक है। और वो थैंक यू भला उस बंदे का जिसने मेरी इतनी 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 ज़्यादा हेल्प की कि मेरे से ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उठा के कैसे लाऊँगी। उन्होंने फटाफट से कैब मंगवाई, फटाफट से मैं यहाँ पे आ गई। सो अगर तो ये वीडियो देख रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एंड लेट्स गो। तो ये सामान मैंने यहाँ ला के रखा, मेरी जो मेरी सोई हुई बहनें हैं उनको उठाते हैं और यही कहते हैं कि भाई फटाफट से पैकिंग कर लो 12 बजे। यहाँ पे आपको ना 12 बजे तक की टाइम लिमिट दी हुई थी कि तुम्हारे पास, मैं 10 बजे निकली थी, मैंने कहा था तुम्हारे पास 2 घंटे जितना मर्जी शॉपिंग कर लो। और ये देर वी गो, सामान लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। उजड़ी हुई ऐसे आई है जैसे जिन होते। तुम्हें पता मेरे साथ क्या हुआ है, मैं चली तो पैदल वॉक करके इतनी दूर गई, जब मैंने इतना सामान लिया समझ नहीं मैं उठाऊंगी कैसे। और तुम्हें पता मेरे साथ क्या हुआ, वैसे मैं कार्ड तुम्हारा लेके गई थी मुझे इसका पिन नहीं पता था, ना मेरे पास नेट ना मेरे पास सिम। मैंने कहा इतनी शॉपिंग करने के बाद मैं कैसे पे करूँगा। थैंक यू हीरा फॉर वेस्टिंग योर टाइम, वापस रखो चीज़ें। मैंने कहा स्कैन से ही पे हो जाएगा, मैंने कहा शुक्र है बिल कार्ड से। हाँ तो रखते हैं, पैक करते हैं और लेट्स गो अंदर जाके देख लेना बहन। ओके गाइस, तो ये सामान वगैरह मैंने यहाँ पर रखा और ये एक सूटकेस खाली किया, इसमें सारी जो चीज़ें हैं ना सिर्फ इस सारी सूटकेस में, आई होप आया ओके पूरी आ जाएं। तो ट्राई करते हैं कि बस इसमें पूरी आ जाएं, सो लेट्स सी। ओके भाई, तो काफ़ी सारा सामान डालने के बाद ना मुझे आइडिया हुआ कि ये ना पूरा नहीं आ रहा, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर लिया, तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या करूँ, इसको फिर किसी और में शिफ्ट करते हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हैं और इनमें से किसी ने कुछ भी नहीं अभी समेटा मेरे साथ मिलके, तो मैं कुछ परफ्यूम्स भी लाई हूँ अभी, तो ये भी पैक करने हैं, ये भी अलग बैग में रखूँगी। तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। ओके गाइस, तो सामान शामान जो है वो उसकी शिफ्टिंग वगैरह हो रही है, पैकिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्यार देते रहिएगा। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।